अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोग सब कैसे हैं? और मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ व्लॉग। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, और आवाज़ मेरी ख़राब अब तो बहुत बेहतर हो गई है पहले से। और गाइस बारिश 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 ने इतना तंग कर दिया। बस कल ही हुई है बारिश, बट अब मैं बहुत ज़्यादा फैटा बोल रही हूँ बारिश से, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा गंदगी करती है, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ कामों से बाहर भी जाना है मुझे, और बारिश हो जाए या नहीं मुझे नहीं पता, तो बहुत सारे काम करने हैं। और आज हमारे घर पे न्याज कुंडो की रजब की न्याज है। तो अम्मी को बुलाया हमने स्पेशली, मेरी अम्मी को, ताकि वो टिक्कियाँ बनाए। वो टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, और मैं बना रही हूँ खीर। बहुत चूड़ियाँ टूट रही हैं मेरी। तो भाई ये हो रहा है ड्राई फ्रूट कट, और ये टिक्कियों का सामान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपको हमने किस लिए बुलाया है? काम करवाने के लिए, हम गंदे बच्चे हैं। तो बस गाइस यही नहीं आता जिंदगी में, आज की चीजों में तो मना हाँ, भी नहीं। हमारी अम्मी तो वैसे भी किसी काम के लिए मना नहीं करती हैं, माशाल्लाह से। तो गाइस अब हमारी एंड टाइम पे, तो गाइस हमारी एंड टाइम पे चले गई गैस। अब हम सिलेंडर में बना रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। आप क्या मुझे देख रहे हैं? गाइस मैं खीर चढ़ा चुकी हूँ, अब ये पकेगी तो पता चलेगा कैसी बन रही। और बाकी ये सारा सामान है जो टिक्कियों का है, जो मम्मा हमारी बना रही है। ये शायद ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत थोड़ा बहुत, अभी काम चल रहे हैं, और थोड़े बहुत करके हम लोग कर रहे हैं सारे काम। तो जैसे जैसे हम सारी चीज़ें करेंगे फिर आप लोग बताएंगे। और आज मुझे जाना है शॉपिंग पे भी लाजमी, क्योंकि नंद की बेटी की है कल ढोलकी, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सब ने अपने अपने सारे काम कर लिए, मेरे ही काम रह गए, क्योंकि मैं थी बहुत ज़्यादा बिजी पार्लर के काम में। तो बस अब मेरे रह गए कपड़े, तो आज जाएंगे शॉपिंग करेंगे। कल है इवेंट, तो इवेंट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये भी आ चुकी है हमारे घर पर, अभी अभी हमने इनको बुला, इनको भी हमने बुला लिया था। हमने कहा हम तुम घर पे अकेली क्या करोगी। तो मेरा एक अदद भाई भी है शायद, मेरा भाई भी एक है, ऊपर आ रहा है, मैं आप लोगों को मिल रहा हूँ। हाँ शायद, हाँ आप बुलाए और एहसान ना आए, आ रहा है तो क्या करे। अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा भाई एक अदद, जो कि आ गए। भाई ये बड़ा बगैरत, एक ही है ना, एक ही तो गाइस जो एक भाई होते हैं वो बहुत होते हैं बगैरत। ये आए हैं क्योंकि अम्मी मेरी इनके घर पे गई हुई थी, इनके ससुराल। मैं क्या बोलूँ, इस आदमी के ससुराल है, मैं क्या हूँ। देखे मेरा भाई भी इकलौता और इनका भाई भी इकलौता, सबके भाई इकलौते, जो इकलौते होते ना गाइस। वाह भाई वाह, क्या ही तारीफ करूं, एक अंडा वो भी गंदा। गाइस मैं तारीफ कर रही थी तेरा शायद की मैं कर रही थी तारीफ थी। अम्मी जब एक अंडा गंदा दे ही दिया, आप क्या हम उसको साफ करेंगे? एक अंडा वो भी गंदा। गाइस जब बेइज्जतियां होती है ना तो ऐसे ही भागते लोग। साथ में तुम्हें शर्म आती है, तुम्हारी बहन को मार रही है आदमी। एहसान भाई कसम खुदा की एक बात बताओ, तुम मेरे भाई कहीं से भी नहीं लग रहे हो। जो तुम मुंह में मावा डाल के बात कर रहे हो ना, मेरे सारे व्यूअर्स इतना कोई गालियां बकने वाले हैं, और आप तो बिल्कुल नहीं लग रहे, क्या नहीं लग रहे आप तो फिर सही बात है, यही 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 कहना चाह रही हूं, क्या नहीं लग रहे। ना ही मेरे भाई लग रहे और आप मेरे मियां तो लग ही नहीं रहे। मैं तो वही पे रखो सर, बाल दरवाजे तो अच्छा लग रहा है ना, है ना। चांद भी थोड़ी सी हो जाए कश्मीर दिखा दे शायद के लिए। कुछ प्यारे से अल्फाज शायद के लिए, बकरा वीडियो काटते हैं बाल काटते हैं।
तुम्हारे बाल बड़े थे तेरा यार रीमा की शादी है वही बाल बड़े थे उसमें ये भी मुझे अम्मी नहीं याद दिला काम करो काम अब देख लो हाँ शायद बहुत बीमार पड़े ना तो गाइस अभी मैं रेडी हूँ मुझे जाना है थोड़े से काम से जैसे कि मैंने आपको बताया था करने के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना तो ये लोग सब यहाँ पे काम लगे हुए हैं कामों में और ये मेहंदी लगा रही है इनके क्योंकि कल ढोलकी है उसकी भी तैयारी चल रही है तो सुने मैडम आप मेहंदी लगवाएंगी क्या नहीं ये मेहंदी नहीं लगवाएंगी ओके ये थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है आजकल और चलते हैं और मेरी खीर डन हो चुकी है बाकी सब अम्मी देखेंगे मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में हाँ अल्लाह हाफिज तो गाइस मैं आ चुकी हूँ बाहर से ये अभी ये बन रहा है देर हो गई है बहुत काफ़ी बनते बनते गाइस सारे न्याज वगैरह का काम हो चुका है हमने न्याज दे दी है और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि कल इवेंट है ढोलकी का तो हमने सोचा अब चलते हैं ये भी आएंगी तो मैंने कहा इनको भी ले जाऊं एक से दो लोग होते हैं और मैं शाहिद और ये और मेरी बेटी छोटी बड़ी तो हम लोग जा रहे हैं तो गाइस ये भी जा रही है हमारे साथ ये इन्होंने मेहंदी भी लगा ली मेहंदी दिखाओ मेहंदी ऐड बाय अलीजबा ने लगाई है इसका भी मैं भी लगवाऊंगी मेरे हाथ अभी खाली हो ना मैं इंस्टाग्राम पे डीएम करें भाई अपनी प्रमोशन तो हर जगह करती है कैसी लगाई पहली बार अच्छी लगाई है बस नहीं गाइस ये लगाती है ब्राइडल मेहंदी भी लगाती है पार्टी वेयर भी लगाती है मेरे पार्लर में ये मेहंदी लगाती है तो प्लीज इसको इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा वैसे मुझे फॉलोअर्स नहीं है बट ओह माय गॉड तो चले चल एंट्री कर रहे हैं हम घर से अभी बज रहे हैं रात के 8:30 ये तकरीबन मैं 15-16 साल के बाद ट्रैक्टर में बैठा हूँ बेगम के साथ और मैं भी अभी यही बोलने वाली थी शायद इतने टाइम बाद जिंदगी में मेरे साथ ट्रक्शे में बैठे इन दोनों की स्पेलिंग बताना के साथ चले आओ अल्लाह माफ कर दे ये हमारी कहीं भी इज्जत नहीं छोड़ती है गाइस रक्षे का मुझे स्टेप पकड़ के डाला से उतर ये तो फिर क्या मतलब है हम पागल हैं शॉपिंग करने आ रहे हैं कि हम रशी नहीं है तो मैंने कहा पागल थोड़ी तो भैया हमारी मजबूरी है हमने देखा हुआ है सारे ठंडे देख रहे गाइस कपड़े देख रहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी मुझे कोई समझ में आ गया ना मेरे जाने ही बैठेगा वो मेरे दिमाग पे लग गया बाइक भी शॉर्टन तक गिर गए पर शाही को बहुत अच्छी बार्गेनिंग करते हैं पहले मेरे सूट पे नहीं करा मेरा सूट तो बहुत महंगा लिया है और जो है ना मेरा सूट तो 7,000 में लिया तो गाइस क्या फायदा कोई इतने ज्यादा डिस्काउंट करा पर अपनी बहन के सूट में इन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट करा है चले चलते हैं घर चलते हैं शॉपिंग करके हम आ चुके हैं मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू ब्लॉग में बल्कि कल अल्लाह हाफिज़।